बीच बीच में देखा, टू बी ऑनेस्ट एकदम रेगुलरली नहीं देख पाता, लेकिन मैंने काफ़ी सुना था इस शो के बारे में, एंड यू नो देखा माँ भी फॉलो करती है, पर बीच बीच में जब भी मैं देखता था आई यूज़ टू फाइंड इट रियली फनी. आई थिंक द ह्यूमर इज़ नाइस, प्योर, जेन्युइन, सो आई यूज़ टू एन्जॉय व्हेन एवर आई यूज़ टू वॉच इट. आई यूज़ टू एन्जॉय द शो. नेहा के बारे नेहा धीरे दिखाई, जो हमने कुछ 2000-2001 में एक मराठी सीरियल की थी, एपिसोडिक था वो, और तब हमने एक साथ काम किया था. उसके बाद में आज हम कर रहे थे, उसने मुझे वो फोटो दिखाया उस वक्त के. नॉस्टैल्जिक और तो मतलब वो तो खैर पहले से अच्छी दिखती है. प्लीज यहाँ पे सो शो द फोटोज. मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं तब ज्यादा बुरा था या अब कम बुरा हूँ. ओके, शो पे आए हैं फिल्म के. फिल्म प्रमोशन थिंग मोर, यू नो, अ फ्रेंड ऑफ माइंड कॉल्ड, जो प्रोड्यूसर्स है और जो चैनल में दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि यार वुड यू लाइक टू डू अ स्पेशल अपियरेंस प्लेइंग योर सेल्फ इन द सीरियल. एक हमारा ऐसा एपिसोड है जहाँ हम चाहते हैं कि एक एक्टर आता है और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हंगामा हो जाता है 2 एपिसोड में, और फिर वो अपना काम करके चला जाता है. सो आई रियली, बिकॉज आई हैड लाइक द शो, तो मुझे अच्छा लगा था कि मैंने कहा ठीक है यार, 2 दिन का काम है, मैं आके करके जाता हूँ. इसी बहाने आप पुराने दोस्तों से मिलते हो. संदीप जो इसका लीड है, आई थिंक इज़ अ रियली रियली टैलेंटेड गाय, वेरी क्यूट गाय, तो इन सब के साथ काम करने का मौका मिला. एंड आई थिंक बहुत दिनों बाद मैंने टीवी का फिक्शन किया है, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस ऑल्सो, बिकॉज फिल्मों में और टीवी में काफ़ी फ़र्क लगा मुझे. सो दे आर वेरी फास्ट, तो उनके स्पीड के साथ मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपकी फिल्म भी आ रही है सीरीज, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे. फिल्म बात आज हवा के ठंडे झोंके की तरह आई और तूफान की तरह निकल गई. सो आई थिंक दूसरी जो आएगी दैट विल कम नेक्स्ट ईयर. ओके नेहा, क्या कहना चाहेंगे? यादें सीरीज आते हैं, खास कोई मुद्दा नहीं है इसके पीछे आने के पीछे, क्योंकि सब दोस्त मिले, सब एक साथ, यादें ताज़ा हों, मौजूद हैं. 2 दिन शूट किया जी, बहुत बहुत ही अच्छा लगा. जब मुझे पहली बार पता चला कि श्रेयस आ रहे हैं, तो इमिडिएटली मैं नॉस्टैल्जिक मेमोरी में, लाइक मैं पहले मैंने ये सवाल सोचा कि यार मैं कितने सालों के बाद हम एक साथ काम करने वाले हैं. एंड यस्टरडे व्हेन ही मेंशन, तो आई गेव अ कॉल टू माय डायरेक्टर जिनके साथ हमने पहले काम किया था, लाइक सर मुझे वो फोटो चाहिए, यू नो, वी वांट टू सी दैट फोटो. तो इमिडिएटली मैंने फोन किया, वो तस्वीर वहां से निकलवाई, लाइक दिस आई हैव टू शो टू श्रेयस. तो बहुत अच्छा लगा, एंड ही इज ऑब्वियसली अ स्वीट हार्ट, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट गाय. द सेम आई थिंक ही इज द सेम वॉट ही वॉज देन, वॉट ही इज नाउ. सो वो मुझे देख के ज्यादा अच्छा लगा. अजीब सा माहौल चल रहा है, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, सर, इफ आई एम रॉन्ग समवेयर. अभी हम अभी जस्ट फिल्म सिटी में यारों की बारात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, रितेश देशमुख, साजिद खान, अच्छा, बच्चन साहब शत्रु जी को ऑन बोर्ड लेके आए, उन्होंने शो किया, और यहाँ पे भी सब दोस्ती की बात चल रही है. क्या कहना चाहेंगे, यू नो, यारों की बारात न्यू शो, वी जस्ट हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस साजिद खान ने, नितेश देशमुख, अच्छा, वेदर गॉट मिस्टर बच्चन एंड शत्रुघ्न सिन्हा टुगेदर ऑन द सेम डायस. दैट्स अ कास्टिंग कू ऑफ सॉर्ट्स. इतने सालों बाद दे हैव गॉट देम बैक टू गेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ इन फैक्ट फॉर मी, एंड दोनों मेरे दोस्त हैं, साजिद भी और रितेश भी, और दोनों कम्प्लीटली पागल है, मेंटल है दोनों. तो जो कुछ करेंगे वो ऐसे मेंटल किस्म का ही होगा, बट हाईली एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि जो सेंस ऑफ ह्यूमर है दोनों का वो बहुत कम लोगों के पास वैसा होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. ओके, पोस्टर बॉक्स को क्या हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और जी कहाँ तक हो चुका है उसका काम? स्क्रिप्टिंग लॉक हो गई है उसकी, एंड आई गेस वी शुड बी ऑन फ्लोर्स अर्ली नेक्स्ट मंथ. डायरेक्टिंग मतलब आई विल बी डायरेक्टिंग इट. डोंट यू थिंक यू शुड आस्क रोहित टू डू द सेम अलोंग? रोहित इज ऑलरेडी बिजी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड रोहित इज गोइंग टू बी डायरेक्टिंग गोलमाल 4, व्हिच वी स्टार्ट इन जनवरी. ओके, टेल अस, कितनी अलग होगी गोलमाल 4? अलग तो होगी, यू नो, रोहित जिस तरीके से उसकी घुड़सवारी कर रहा है, आई एम श्योर दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ एसेज अप हिज स्लीव. सो या, वी ऑल ऑफ अस आर इन फैक्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग बैक टुगेदर एंड डूइंग द सेम काइंड ऑफ मस्ती दैट वी यूज्ड टू डू इन गोलमाल. ओके, द लास्ट वन, इफ यू कैन, कुड यू प्लीज रिवील लिटिल मोर अबाउट पोस्टर बॉयज, हु आर द कास्टिंग, हु आर द पीपल ऑलरेडी जीरो डाउन? देयर इज सनी पाजी, देयर इज बॉबी, एंड देयर इज माई सेल्फ, हु विल प्ले द लीड्स इन द फिल्म. Thank you. Well, this is a very subjective kind of a question. Many people have said that they should be banned. Many people have said that is not the solution.
आई पर्सनली फील या दैट माइट नॉट बी दी सोल्यूशन बट इट कैन बी वन ऑफ दी सोल्यूशंस. व्हेन आई से दिस आई मीन दैट देर नीड्स टू बी अ स्ट्रांग मैसेज दैट नीड्स टू गो टू दी आर्मी दैट वी आर विद देम. देर नीड्स टू बी सर्टन काइंड ऑफ सॉलिडारिटी दैट वी नो नीड टू गो टू दी आर्मी ऑफ अ कंट्री हु आर डूइंग सो मच फॉर अस विदाउट रियली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सो आई थिंक इट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ शोइंग सॉलिडारिटी. वी आर फर्मली विद दी आर्मी. We love them, we are proud of them, and we are proud of whatever they are doing for the country. Also yesterday, he was from Pakistan. He has condemned the UAE attack. So do you think like now Fawad Khan or Atif Aslam should come forward and... What they do is to them, you know, we cannot really force any of our judgments on them. ये हर एक जो मानना होता है उस हिसाब से वो लोग रिएक्ट करते हैं और कई सारी खबरें भी अलग अलग किस्म की आती है. मेरा इतना ही मानना है कि ये आज फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया के वजह से सबको एक मुंह मिल गया है. सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बोलते हैं बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर आर्मी को सिटीजन्स की सपोर्ट की और सॉलिडारिटी की ज़रूरत है तो आज मौका है जब हम वो दिखाएं कि अगर वो इतनी हिम्मत करके टेररिस्ट के जो हाइड आउट्स उनको जाके ख़त्म कर सकते हैं तो आज हम उनके पीछे पूरी सपोर्ट के साथ खड़े रहेंगे.